गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको डिजाइन के आइडियाज जनरेट करना है, कैसे एक पिक्चर देख के, एक फॉन्ट देख के, एक शेप देख के आपके माइंड में बहुत सारे डिजाइन के आइडिया अपने आप आ जाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइज, मुझे पता है कि जब आप डिजाइन बनाने बैठते हो तो आपके माइंड में बिल्कुल भी आइडियाज नहीं आते, और फिर आप क्या करते हो, किसी दूसरे का वर्क से इंस्पायर होने की कोशिश करते हो, लेकिन एट द एंड में आप उसका कॉपी कर लेते हो। और गाइज, इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है smartmockups.com ने। smartmockup.com पे आप अपना खुद का प्रोफेशनल टाइप के मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मॉकअप्स आप वहाँ बना सकते हो, और इसके लिए आपको फोटोशॉप की नॉलेज की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फोटोशॉप में जाना है। smartmockup.com पे सारी की सारी चीज़ें हैं, दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट हैं, और वहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपना खुद का स्टाइल से मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर उसको क्लाइंट के लिए या फिर अपने वर्क को शोकेस के लिए यूज़ भी कर सकते हो। आप वहाँ पर जाकर प्रोफेशनल और बहुत रियलिस्टिक टाइप का मॉकअप्स वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर दुनिया के ऑलमोस्ट सारे चीज़ के ऑब्जेक्ट के यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। वहां पे जस्ट आपको जाना है और जिस चीज का मॉकअप आपको क्रिएट करना है उस चीज का मॉकअप्स आप क्रिएट कर सकते हो। और आपको पता है, मॉकअप सबसे प्रोफेशनल तरीका होता है अपने वर्क को क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो गाइस, अगर आप बहुत देर से कोई मॉकअप्स ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था, तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप smartmockup.com पे जाओ और अपना खुद का मॉकअप्स वहां पे क्रिएट कर लो। तो गाइस, अगर आप वहां पे ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 30% का ऑफ मिल सकता है। जितने भी उनके पेड प्लान्स हैं सब पे आपको 30% का ऑफ मिल सकता है अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और आपकी सारी प्रॉब्लम को इस वीडियो में मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आप लोग आजकल फेस कर रहे हो वो ये है कि जब भी आप डिजाइन बनाते हो आपको एक रेफरेंस की जरूरत होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना रेफरेंस के भी बहुत अच्छी चीजें बना सकते हो अगर आप डिजाइन को सही स्टडी करोगे। तो अभी मैं फोटोशॉप में हूं और ये मेरा अपना खुद का ही, आप देख रहे हो, ये मैंने ही अपना ये बैनर बनाया था कुछ दिन पहले, और आप लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा था और शायद किसी को अच्छा भी नहीं लगा था। तो गाइस, ये मैं फोटोशॉप में हूँ और ये मेरा ही एक डिज़ाइन है जो कि मैंने किसी टेक कंपनी के लिए बनाया था, iconic.itstore.com के लिए। अब मान लो आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और आप कुछ बनाने बैठते हो, आपको लगता है हाँ यार ये डिज़ाइन का तो आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं अपने क्लाइंट के लिए भी ऐसा बनाऊँ। और बनाते बनाते क्या होता है कि आप इसे डिज़ाइन में कॉपी कर लेते हो। वही मैं आज यहाँ पे आपके लिए डिकोड करूँगा कि डिज़ाइन से इंस्पायर कैसे होना है, आइडिया जनरेट कैसे करना है, ना कि कॉपी करना है, ठीक। तो ये एक टेक कंपनी का बैनर है। सोचो आपके पास टेक से बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्लाइंट हो, मान लो फूड का क्लाइंट हो, फूड और टेक में कोई कनेक्शन नहीं है, मान लो एक फूड का क्लाइंट हो और आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है ना, इसके एलिमेंट, इसके बहुत सारी चीज़ें, कलर्स आपको अच्छे लगे हैं, तो कैसे एक फूड कंपनी के लिए इस डिज़ाइन से इंस्पायर होकर एक अलग डिजाइन आप बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फूड का एक बहुत ही बेसिक सा काम चलाऊ सा लोगो बना लेते हैं। उसके लिए मैं सीधा करूंगा कंट्रोल एन और यहां पे मैं एक सीधा लोगो बना लेता हूं सबसे पहले। और यहां पे मैंने इसका जो बैकग्राउंड है मैंने यहां पे वाइट ले लिया, ठीक है, और जस्ट एक बेसिक सा यहां पे नाम सोच लेते हैं। और मैं यहां पे नाम सोच रहा हूं जस्ट फूड कंपनी क्या ऐसी कुछ, मान लो मैंने यहां पे नाम ले लिया इटोरी, ठीक है, और इसका एक टैगलाइन यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ट फूड फ्रेंड्स लव, ठीक है, सिंपल सा मैंने एक यहाँ पे टैगलाइन टाइप का बना लिया, ठीक। अब आपको पता है कि जब भी मैंने पहले टाइटल वाले वीडियो में बताया था कि जब टाइटल लिखना होता है तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना होता है, तो जस्ट मैंने इसका इसके बीच का मैंने गैप यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है, इसका मैंने कलर कर लिया ब्लैक और इसको मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, इसका मैंने थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दिया और इसके बीच में हल्का सा मैंने गैप दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब एक छोटा सा एक लोगो जैसा और इसका फील बना लेते हैं। तो सीधा हम जाएंगे सर्कल टूल में और मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, कलर हम थोड़ा सा फूड वाला ले लेते हैं, मान लो हमने ये कलर ले लिया, ठीक, और यहाँ पे मैं सीधा इसको वॉर्प कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से हमने एक शेप जैसा बना लिया, ठीक। अब इसको दोनों को ऑन करके मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ मैंने इसको अंदर इसको रख दिया सिंपल, और साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक।
और यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और ये इस टाइप से, ठीक। जस्ट ये एक बेसिक सा लोगो है यार, ये कोई प्रोफेशनल और इस टाइप का लोगो नहीं है, कि ये बस एक बेसिक सा लोगो है, वो मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, और मैंने इसका टाइटल में से बस मैं यहाँ पे ई निकाल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे ई को निकाल रहा हूँ, और ई को, ई का साइज़ मैंने बिगर कर लिया, और मैंने इसको यहाँ लगा दिया, और इसको मैं जस्ट क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, या फिर ऑल्ट दबा के दबा दोगे, क्लिक कर दोगे तो क्लिपिंग मास्क में चला जाएगा ये, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बिगर कर लेते हैं, और इसको यहाँ लगा दिया, फिर से इसको कॉपी किया, और इसको छोटा सा इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब दोनों ई जो मैंने लिया है उसका साइज कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है, तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये बाइट जैसा लग रहा है, अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है बाइट। ये बहुत ही सिंपल सा है यार, बेसिक सा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे, अब तो हमारे पास अब एक काम चलाऊ सा लोगो है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंट्रोल एन, और यहाँ पे एक साइज लेते हैं 1000 1000, ठीक, और इस लोगो को सिंपली हम यहाँ लेके आते हैं, और इसको जस्ट मैं छोटा करके और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ठीक है। स्टेप वन, अब इस डिज़ाइन को हम स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको स्टडी करते हैं कि इस डिज़ाइन में आखिर ऐसा क्या है, ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जस्ट साइज को थोड़ा सा, विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब गाइज आप देखो कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही, क्या आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे जस्ट आप नोट करो, ठीक है, कि आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सबसे पहले यहाँ पे अच्छा लग रहा है सर्कल, जो यहाँ पे राउंड शेप बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया राउंड शेप। तो गाइज हमें यहाँ पे अच्छा लगा, एक राउंड शेप है वो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने यहाँ पे राउंड शेप लिख लिया, ठीक है, जो यहाँ पे है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें अच्छी लग रही है आउटलाइन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया आउटलाइन, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या अच्छी लग रही है, कि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो शेडो है, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहा है, ये हमें यहाँ पे अच्छी लग रही है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे शेडो, ठीक है। अब हमें क्या अच्छा लग रहा है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में जो ये लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा सा अच्छा क्रिएट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया लाइन, ये चीज यहां पे हमें अट्रैक्ट कर रही है। और एक बैकग्राउंड, जो कि यहां पे एक बैकग्राउंड है, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड कलर है ना, हमें यहां पे अच्छा लग रहा है एक कलर, ठीक है। ये पांच चीजें हमने यहां पे डिकोड किया कि ये हमें बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में, ठीक। हम अपने डिजाइन पे चलते हैं, ये रहा हमारे पास डिजाइन। अब देखो आपके पास कलर के कितने ऑप्शन हैं, तो हमारे पास कलर के यहां सामने दिख रहा है एक प्राइमरी कलर है जो है रेड, और सेकेंडरी कलर है हमारे पास वाइट, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है कलर के, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप करते हैं, इसमें पूरे कलर में एक बैकग्राउंड है, सबसे पहले इसको देखते हैं, पूरे कलर में एक बैकग्राउंड है और एक शेप है राउंड शेप, तो हम स्टार्ट करते हैं राउंड शेप से। तो हमने यहाँ पे एक राउंड शेप हमने यहाँ पे लिया, ठीक। अब सेकेंड चीज आते हैं फॉन्ट्स पे, यहाँ पे फॉन्ट यूज हुआ है सेंस सेरिफ, ठीक। तो गाइज अगर आपने मेरा टाइपोग्राफिक कोर्स परचेज किया है या उसको आपने देखा है, तो आपको पता है कि फूड वाले, फूड में हम कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्प्ले फॉन्ट, जो कि कैजुअल टाइप की फॉन्ट हो। ओके, तो गाइज हम सबसे पहले इसके लिए एक टैगलाइन ढूंढ लेते हैं, तो सीधा गूगल पे चलते हैं और लिखते हैं फूड टैगलाइन। जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि फूड टैगलाइन मिल जाते हैं, एक वेबसाइट है यहाँ पे, और यहाँ से आप लोगों को मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि यहाँ से आप टैगलाइन निकाल सकते हो, तो ये वाला मुझे सही लग रहा है। बहुत सारे यहाँ पे टैगलाइन है, लेकिन ये वाला मुझे सही लग रहा है टैगलाइन। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉन्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है, और आप सबको अब फॉन्ट, देखो फॉन्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप सबने मेरा टाइपोग्राफी वाला कोर्स ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं किया तो आप वहाँ परचेज करके आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फॉन्ट क्यों लिया, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे, ये हमारे पास फॉन्ट है, और इसको जस्ट मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे
इस लाइन को ब्लैक कलर से फिलहाल हम लिखते हैं। और ये मैंने टेक्स्ट लिया, मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया नॉटी मॉन्स्टर, और इसको मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से लिख के आ रहा है। ये ऑफ का स्टाइल भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज अब इसको थोड़ा सा टाइपोग्राफी स्टाइल में लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने टाइपोग्राफी वाले कोर्स में पूरे अच्छे तरीके सीखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी है ये। ठीक है, वन बाय वन चीज़ों को यहाँ पे कट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रैब को थोड़ा सा बिगर लिखता हूँ। ठीक, बकेट को मैं यहाँ पे उसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको जस्ट मैं यहाँ पे यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक, ग्रैब को थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ और इसको थोड़ा छोटा भी कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, अब चिकन को मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा देर मैंने टेढ़ा कर दिया और इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑफ को जस्ट इसके साइड में ऐड कर रहा हूँ। जस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जहाँ भी आपको सही लगे आप वहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले करते हो। इसको जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। हैव को भी जस्ट मैं अलग से कट कर रहा हूँ और इसके ठीक नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। जस्ट मैं यहाँ पे हैव को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, आ को भी मैं यहाँ ले रहा हूँ और सिंपली इसको इधर मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ और इसको जस्ट मैं छोटा। ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये टोटल आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाते हो। मुझे ये इस टाइप से इसका सही लग रहा है, तो मैं इसको इस टाइप से बना रहा हूँ। और ठीक, मैंने इसको थोड़ा सा बिगड़ किया। थोड़ा सा छोटा किया, ऑफ को जस्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, इसको छोटा, ऑफ यहाँ पे, और जस्ट हमने कॉमा नहीं चाहिए हमें, और फन को मैं ठीक इसके नीचे लगा रहा हूँ इधर। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा एक डिज़ाइन टाइप का एक फॉन्ट हमारे पास तैयार हो गया। अब सबको हम सेलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं, हमने डिज़ाइन में हमें क्या क्या अच्छा लगा था। राउंड शेप अच्छा लगा था, आपको भी पता है। आउटलाइन अच्छा लगा था। आउटलाइन पे यहाँ पे गौर करने वाली बात है, टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत चीज़ नहीं कर सकते। अगर टेक्स्ट की डिज़ाइन की बात आती है तो हम बहुत चीज़ नहीं कर सकते। या तो हम उसको बहुत दूर दूर कर सकते हैं टेक्स्ट को, या पास कर सकते हैं, या फिर हम आउटलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटलाइन वाली चीज़ है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आउटलाइन पे ही हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें अच्छा लगा था आउटलाइन। तो क्या हम शेप के बजाय क्या हम टेक्स्ट में आउटलाइन दे सकते हैं? ऑफकोर्स हम यहाँ पे टेक्स्ट में आउटलाइन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आउटलाइन दे रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक प्राइमरी कलर भी है जो है रेड। तो सिंपली मैंने ग्रैब का कलर कर दिया यहाँ से रेड, चिकन का मैंने कलर कर दिया यहाँ पे रेड, एंड फन का भी कलर मैंने यहाँ पे कर दिया रेड। ठीक है, ये कंट्रास्ट ऐड हो गया जो कि हमारे लोगो से मिला है हमें। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि चिकन को, अब मैं यहाँ पे चिकन को आउटलाइन में ले रहा हूँ। तो सिंपली क्या किया मैंने, स्ट्रोक और कलर मैंने सेलेक्ट किया रेड, और दो पॉइंट दो दो पिक्सल का मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिया और इसको मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ पे देखो, अब एक डिज़ाइन जैसा अभी आपको क्रिएट होता हुआ लग रहा है ना। और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो जो मैंने इस डिज़ाइन से मुझे अच्छा लगा उसका मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब सीधा हम चलते हैं फन को भी जस्ट आउटलाइन लेते हैं। सिंपली स्ट्रोक एंड आउटलाइन, और यहाँ पे ग्रैब को भी मैं
आउटलाइन में ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे ग्रैब को भी आउटलाइन में ले लिया, तो अब ये देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बैरल को जस्ट मैं रेड कर रहा हूँ, सिंपल और बहुत ही इजी। ठीक, अब चलते हैं सेकंड स्टेप जो है हमारा शेप। शेप हमें राउंड शेप बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, और राउंड शेप में यहाँ पे जो कटा हुआ डिज़ाइन है कि आगे कट रहा है ये भी हमें देखने में अच्छा लग रहा था। तो पहले हम सेम इसी तरीके से करके देखते हैं। फिलहाल लोगों को मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ और इसके बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे रेड कलर में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड में एक ही कलर था जो अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे मैंने सेम टेक्निक यहाँ पे किया है। शेप को मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक, यहाँ पे आउटलाइन यूज़ हुआ है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा शेप यूज़ कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आउटलाइन यूज़ करो, सेम यूज़ करो, जस्ट हमें सर्कल अच्छा लगा था, हमने यहाँ पे राउंड शेप लिखा है और राउंड शेप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब बारी आती है लाइन और आउटलाइन की। तो क्या हम सिर्फ एक ही बार आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं? किसने कहा आपसे? आप 10 बार यूज़ करो, 15 बार यूज़ करो, 20 बार यूज़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं यहाँ पे एक बार और यहाँ पे आउटलाइन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा सिंपली, और ब्रश पे जाएंगे और मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा रेड, और ब्रश जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा हार्ड राउंड वाले इस टाइप से। ठीक है, और इसका जो मैं यहाँ पे साइज है ब्रश का, मैं वहाँ पे छोटा करूँगा और देखूँगा कि सही बन रहा है कि नहीं। यहाँ बना के देख लेते हैं कि ये सही बन रहा है कि नहीं। ये देखो थोड़ा सा मोटा अभी भी लग रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा और पतला किया, ये शायद और थोड़ा सा पतला होगा, अब ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, जो जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, खाली एरिया है, और एक खाली एरिया हमें यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, एक खाली एरिया हमें यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, और एक खाली एरिया हमें यहाँ भी दिख रहा है, और एक हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो ये एक आउटलाइन है ना, और इसको जस्ट मैंने टेक्स्ट पे यूज़ किया है, जो कि देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है हमें। अब ये देखने में बढ़िया लग रहा है। ठीक है, आप सबको भी देखने में ठीक लग रहा होगा। अब सेकंड स्टेप, अब हम लोगों को ले आते हैं, और लोगो हमें पता है इस तरफ अच्छा नहीं लगेगा, तो हम सोचा लोगों को इस तरफ ले जाकर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। तो ये रहा हमारा लोगो, बट इस तरह भी हमारा खाली लग रहा है, तो सिंपली यहाँ पर मैं एक हैशटैग लिख देता हूँ, न्यू डील। ठीक है, यहाँ पर न्यू डील नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हॉट डील, हॉट डील। ठीक है, इसको जस्ट छोटा करूं और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसका कलर कर देते हैं वाइट, और इसको कर दिया हमने छोटा। अब हमें और क्या क्या अच्छा लगा था? शैडो, लाइन एंड कलर। कलर वाला काम हमारा डन हो गया, हमने पूरा का पूरा कलर इसमें ले लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा आउटलाइन वाला भी कलर, आउटलाइन वाली चीज़ भी डन होगी, हमारा फॉन्ट क्लियर हो गया, हमने शेप भी यूज़ कर लिया। अब बच गया हमारा लाइन, लाइन हमें अच्छी लग रही है, यहाँ पे लाइन देखने में बढ़िया लग रहा है, और इस जगह पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे देखने में इसमें सही लग रहा था। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगा, ठीक है, और इसको वैसे क्रिएट करने के बजाय मैं इसको लंबा क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जस्ट इसके जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। लाइन आप कहीं भी लगा सकते हो, आप ये जरूरी नहीं कि आप वहीं भी लगाओ, आप लाइन कहीं भी लगा सकते हो, अपने पूरे ग्राफिक में लाइन कहीं भी लगा सकते हो, टोटल आपके ऊपर है। ठीक है, और अब देखो आप लाइन कहाँ लगा सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली नीचे लाइन लगा रहा हूँ, और इसको लाइन को जस्ट मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ एक कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, वी आर नाउ ओपन। ठीक, अब मैं टेक्स्ट को यहाँ नीचे लिख देता हूँ, और इसका कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, और इसको जस्ट यहाँ पे डिज़ाइन बना के लगा देते हैं, और इस लाइन को जस्ट हम इसमें टच कर देते हैं। ठीक, सेम वही कर रहा हूँ मैं, इस तरफ लिखा हुआ था मैंने इस तरफ कर दिया, ये लाइन यहाँ था, इस लाइन इसके साथ में ले आया, तो ये देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का लग रहा है। समझ आ रहा है आपको? कि अब शायद आपके दिमाग में और भी आइडियाज़ आ रहे होंगे, ये नहीं ये कर सकते हैं, वो नहीं वो कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है जब आप डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे अब ले आए। अब आ रही है हमें यहाँ पे पिक्चर ऐड करने की। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है,
तो सिंपली एक चिकन का पीएनजी मैं यहाँ पे ड्राई करता हूँ। इसको थोड़ा सा बिगर करते हैं और हल्का सा इसको इस टाइप से करते हैं हमें। और क्या अच्छा लगा था यहाँ पे, सैडो, ठीक है। और यहाँ पे हम चिकन में सेम सैडो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम सैडो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे कलर ब्लैक सेलेक्ट किया और इसका साइज़ हमने थोड़ा सा बिगर किया, सैडो यहाँ पे ड्रॉ किया और हमने ठीक इसके नीचे ब्रश ड्रॉ करके हमने सैडो लगा दिया और इसकी ओपेसिटी हमने डाउन कर दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका लग गया सैडो, चिकन एंड उसका सैडो, और ओपेसिटी आप डाउन करके और अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा सा इसको बिगर भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद मेरे पास एक और इमेज है कोल्ड ड्रिंक का, जस्ट आप अपने हिसाब से कोई सा भी इमेज लगा सकते हो। तो मैं ठीक इसके पीछे एक इमेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया और इस टाइप के पिक्चर यहाँ ऐड कर दिए। आप चाहो तो चिकन को और कॉपी करके इसके और भी डुप्लीकेट वर्जन इसके पीछे लगा सकते हो, ठीक है। और इसको जस्ट पीछे डाल के और जस्ट इस टाइप से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये है एक सिंपल डिज़ाइन। अब हम क्या करते हैं, दोनों डिज़ाइन को एक साथ जस्ट मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि क्या हमने कॉपी किया है। जस्ट आप हम देखते हैं, सेलेक्ट और जस्ट मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ, हमें ये सब नहीं चाहिए। अब देखो, जस्ट अब देखो कि क्या हमने कॉपी किया है। तो गाइस अब आप यहां पे देख सकते हो ये दोनों डिजाइन बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी हल्का सा कहीं ना कहीं एक छोटा सा टच आ रहा है जो कि इस सर्कल की वजह से आ रहा है, इस सर्कल और ये सर्कल की वजह से हल्का टच आ रहा है कि हाँ ये दोनों एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो हम फिर से उस डिजाइन पर चलते हैं वापस। तो सिंपली मैंने सर्कल को पिक किया, कंट्रोल टी वॉर्प, और इसको जस्ट मैंने हल्का सा वॉर्प कर दिया। तो गाइस अब ये डिजाइन और ये डिजाइन कहीं से भी आपको सेम नहीं लगेगा, और कोई भी नहीं बता सकता कि ये डिजाइन देख के आपने ये डिजाइन बनाया है। क्यों? क्योंकि आप इंस्पायर्ड हुए हो, आपको आइडिया मिला है कि हाँ शेप को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, लाइन को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, फॉन्ट को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, और आपने वही चीज डिजाइन पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो क्या जब भी आपको कोई डिजाइन अच्छा लगता है तो एज ए आर्टिस्ट आपको उसमें से अच्छी एलिमेंट, अच्छे बढ़िया बढ़िया चीज आपको दिमाग में रखना है, ना कि आपको ये सोचना है कि अच्छा ये डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं सेव करके रख लेता हूं, मैं किसी क्लाइंट को ऐसा बना के दे दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको उसमें से अच्छी चीजें पिक करनी है। मान लो कि आप कोई शॉपिंग करने जाते हो और कोई शर्ट आपको बहुत अच्छा लग गया, कलर देख के आप उससे अट्रैक्ट हो गए, तो अब आप शर्ट में क्या देखोगे कि आपको अच्छा लगे? आप उसकी सिलाई देखते हो, पॉकेट कैसा बना है, कॉलर कैसा बना है, कपड़े कैसे लिया गया है, सब चीज़ देखते हो ना। तो डिज़ाइन में सिर्फ डिज़ाइन क्यों देखते हो, आप उसके अंदर के एलिमेंट्स क्यों नहीं देखते कि शेप कैसे यूज़ किया गया है, आउटलाइन यूज़ है कि नहीं है, फॉन्ट कैसे यूज़ किया गया है, टेक्स्ट का प्लेसमेंट कहाँ है, यही सब तो हमें देखना होता है। जब आप ये सारी चीज़ देखना स्टार्ट कर दोगे आपके पास आइडियाज ही आइडिया होंगे ना, तो आपको डिजाइन देखना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन तो सेम ही होते हैं, हर जगह सेम चीज होते हैं, वही फॉन्ट्स होते हैं, वही लाइन, वही शेप, वही कलर, बट उसका जो प्लेसमेंट, उसका अरेंजमेंट वो बढ़िया होता है। अब वो आपको देखने से नहीं मिलेगा, अगर आप किसी को देख के उस टाइप का अरेंज करोगे, अगर आपने कोई डिजाइन देख के सेम टाइप से आपने अरेंज कर लिया तो आपने कॉपी कर लिया, फिर आप क्या सीख रहे हो? खुद सोचो कि आप क्या सीख रहे हो। आपको इंस्पायर होना है आइडिया से कि हाँ इसको ऐसे यूज़ करना है, उसको ऐसे यूज़ करना है। आपको डिकोड करना है, आपको डिज़ाइन को हैक करना है, ना कि उससे कॉपी करना है, ना कि उसे कॉपी करना है, आपको उसको हैक करना है। किसी भी चीज़ को आप 10 मिनट देखो, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है। जो अच्छी चीज़ है उसको नोट डाउन कर लो। जब आप डिज़ाइन बनाने बैठो तो सो ट्राई करो कि सेम टू सेम ना करें, ट्राई करो कि क्या हम उस अच्छे एलिमेंट को अपने स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। अगर उसने सर्कल रेड कलर का बनाया है, आपने ब्लू कलर का बना दिया तो सेम हो गया, बट क्या उस सर्कल को दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है? वही है यहाँ पे इंस्पायर होने की चीज़ें। अब इस डिज़ाइन को लेके चलते हैं सीधा smartmockups.com पे और इसका मॉकअप बनाते हैं कि अगर इसको क्लाइंट को भेजना होता तो हम इसको कैसे भेजते। तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको smartmockup.com पे। तो गाइस ये मैं आ गया हूँ smartmockup.com पे और मुझे इसको क्लाइंट को भेजना है इंस्टाग्राम मॉकअप में, तो मैं यहाँ पर सीधा सर्च करूँगा इंस्टा, ठीक है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस बैनर को इंस्टाग्राम में पोस्ट करोगे तो कैसा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इंस्टा पोस्ट, ये मैंने यहाँ पर इसका मैंने आइडिया यहाँ पे कॉपी किया,
ठीक है। और इसको मैंने कस्टमाइज तरीके से, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड किया कि आपका उस ब्रांड का प्रोफाइल पिक्चर में कैसा लगेगा। प्रोफाइल पिक्चर हमने यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे हमने किया अपलोड, जस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड क्रॉप एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टाग्राम में उसका लोगो बन के आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं उसके नेक्स्ट पोस्ट पे। अब यहाँ पे अपलोड किया, ये रहा पोस्ट, क्रॉप एंड कंटिन्यू। अब इसने यहाँ बता दिया कि देखो इंस्टाग्राम पे पोस्ट ऐसा लगेगा, और इसको आप डाउनलोड भी करके रख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आइडिया और भी है डिज़ाइन दिखाने के, अब ये भी यूज़ करते हो, बहुत सारे हैं। तो मैंने सिंपली इसको सेव कर लिया। तो मैं यहाँ पे और भी चीज़ें, और भी मोकअप्स यहाँ पे ट्राई करते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऑल मोकअप में जाते हैं और देखते हैं इंस्टाग्राम कोई अगर हैंड में यूज़ कर रहा हो तो, है ना। जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इसमें हाथ में कोई इंस्टाग्राम विजिट कर रहा है, तो हमने इसको कॉपी किया और हम यहाँ पे इमेज में गए और अपलोड किया। हमने अपलोड, मान लो हमने जो हमने मोकअप डाउनलोड किया था वो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ एंड कंटिन्यू। तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये हाथ में फ़ोन विजिट कर रही है और सीधा हमने इसको डाउनलोड कर लिया। जो भी आपको क्वालिटी में चाहिए उस क्वालिटी में डाउनलोड करके आप क्लाइंट को भेज सकते हो कि देखो जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो आपको देखने में ऐसा लगेगा। स्मार्ट मोकअप बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। मैं अफसोस करता हूँ कि मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था। ये बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पर आप अपना मोकअप खुद का क्रिएट करके बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर प्रीमियम पेड फीचर यूज़ करते हो और ये कोड यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको 30% का ऑफ मिल सकता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी बढ़िया है, और इससे आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत जल्दी अप्रूव होगा। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मुझे पता है कि इस वीडियो से आपके डिज़ाइन स्किल बिल्कुल ही बदल जाने वाली है। और smartmockup.com के बारे में जितनी भी डिटेल है सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर जाके आप ट्राई करो, परचेज करो, इंजॉय करो, आपकी मर्जी है। जो मोकअप आपको क्रिएट करना है वो मोकअप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप बहुत ही मजा आएगा जब आप अपने डिजाइन को रियल लाइफ में देखोगे, रियलिस्टिक स्टाइल में देखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।